पापा रोहित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, घर वापस आ जा। पापा प्लीज। जिस लड़के के चक्कर में तू है वो एक नंबर का धोखेबाज है बेटा, वो तुझसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अच्छा मुझे एक बात बता, जब वो अपने माँ बाप को तेरे लिए छोड़ सकता है, कल को अगर उसे कोई और लड़की मिल गई, कल को अगर उसे कोई और लड़की मिल गई। पापा इनफ, अब बहुत हो गया, आप फोन रखो प्लीज, बाय। अच्छा बेटा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो रोहित, हमें आज ही कोर्ट मैरिज करनी होगी। अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो सब देख रहे हैं। तो देखने दो। बेबी तुम एक काम करो, तुम डिनर लगाओ, मैं अभी आया, ठीक है? हेलो। अरे यार मैं तुम्हें ऐसी गुड न्यूज़ दूंगा कि तुम्हारा सारा का सारा गुस्सा उतर जाएगा। तुम? ओके मैं चलती हूँ। अच्छा तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मैं बेवकूफ हूँ, मैंने अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। मैं ही गलत थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। गो टू हेल। नेहा एक सेकंड मेरी बात सुनो प्लीज। अब सुनने के लिए क्या रह गया? हेलो पापा। हेलो बेटा बोलो। आपने बिल्कुल सही कहा था, रोहित अच्छा लड़का नहीं है। बेटा मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपके पास आ रही हूँ। बेटा तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। तू अभी के अभी फ्लाइट पकड़कर घर वापस आ जा मुंबई।